वेलकम गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। बट ये माइनक्राफ्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास आया है वर्चुअल रियलिटी का वीआर, जो कि है 40,000 का। बात मत करो बड़े बड़े। और ये वीआर इतना रियल है कि इसके अंदर आपको सब चीज रियल दिखती है। अब मेन चीज तो बाकी रह गई है, ये है रियल लाइफ में पेन देने वाला वेस्ट। अब आप सोच रहे होगे कि ये वेस्ट को रियल लाइफ में पेन कैसे देता है, तो आपकी जानकारी के बता दूं, इसके अंदर छोटे छोटे वाइब्रेटर्स नोकीले वाले लगाए गए हैं, जिसके कारण होता ही है कि गेम में अगर कुछ भी हरकत होती है, डैमेज वाली चीज होती है, तो डायरेक्टली थ्रू वायर्स वो वाइब्रेटर्स हिलते हैं, जिसके कारण चेस्ट हिलता है एंड यहाँ पे दिल पे सीधा पूरे शरीर में वो हमको डैमेज फील होता है। वीआर की कीमत 40,000, चेस्ट की कीमत 50,000, 90,000 का प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है और मैं माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ इस वेस्ट को पहन के, इस वीआर को पहन के, और जो भी माइनक्राफ्ट में पेन होगा वो हमको रियल लाइफ में मिलने वाला है। मैंने सुना है कि फेंटन गेमर आप एक वीडियो बना रहे हो जिसमें आप रियल लाइफ में पेन फील करने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें एक नहीं दो नहीं बट 10,000 और मुझे देखना है कि आपको कैसा पेन फील होता है। और आज मैं तेरे को टीएनटी से उड़ाने वाला हूँ, तो आलोक दर्द देने के लिए रेडी हो जा तेरे भाई को। ओके, तो तू पहले इतना सा डैमेज खा के देख तेरे को कैसा लगता है। ए ब्रो प्लीज, तुझे पता है ना ब्लड एसिड का डैमेज रियल पड़ेगा, मुझे रियल में महसूस। मस्ती नहीं प्लीज। ज्यादा डैमेज पड़ा तो तू सीरियस हो सकता, अगर और ज्यादा डैमेज पड़ा तू घायल हो सकता, अगर और ज्यादा डैमेज पड़ा तो पता चला अगले दिन मैं अस्थमा हॉस्पिटल पहुंच गया मैं ब्रो, इसलिए बोल रहा हूँ आराम से खेलना ब्रो। एक दो तीन ओके थोड़ा बॉडी मेरी हिल गई 2 मिनट क्लियर, बट इतना भी डैमेज नहीं पड़ा जितना मैंने एक्सपेक्टेशंस रखे थे। ये तो नल्ला चेस्ट है, तो अभी 10 TNT की बारी है। मुझे घर जाना है। 6 7 8 9 प्लीज बाप के चमाट से ज्यादा ना हो, वो भी कुछ कर। लेट्स गो। भाई 3-4 बार छटके पड़े मेरे अंदर। भाई ये कितना गंदा वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट भाई, जिसने भी 10,000 TNT बोला उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10,000 किया ना मैं अगले दिन पहुंच जाऊंगा हॉस्पिटल में, तो इसे 100 TNT उसके पर नहीं जाएंगे अब। तो यहाँ पे हमारा फेंटन और यहाँ पे है 100 TNT। यार तू सुन रहे, तेरे आंखों में डर दिखना चाहिए। ओके गाइस 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 मेरे पास में एक मिनट अगर आई डोंट नो क्या होने वाला है, आगे पीछे कहां ऊपर, मेरे पीछे भी हो रहा है, मेरे पीछे भी हो रहा है, ये क्या टीएनटी खत्म। ओके तभी तो ये वाइब्रेटर रुका है, और शायद अभी 10,000 TNT बाकी है। चल 50,000 लाइक एम रखा है, क्योंकि इसलिए इसी वीडियो में बहुत डैमेज ले रहा हूँ। रियल लाइफ में तो तुमको करना बनता है, तो 50,000 लाइक कर दो एंड डेफिनेटली फॉर न्यू ऑन द चैनल देन सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को ऐसे टाइप के इनसेन लेवल के वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो मैं फेंटन गेमर को चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो माइनक्राफ्ट के मॉड्स के थ्रू एक ड्रैगन को स्पॉन करे और फिर उसको ये उसको डिफीट करके उसके अंडे को चुरा ले, और अगर वो ये कर लेते हैं तो वो चैलेंज जीत चुके हैं। और हाँ, एक और चीज याद रखना, अगर आप ये ड्रैगन से हार गए तो आपको रियल लाइफ में तो हमको ड्रैगन के अंडे को चुराना है। खत्म। सो ये बहुत ज्यादा टफ होगा, बिकॉज गलती से भी अगर ड्रैगन का एक फायर भी मुझे लगता है तो उसी वक्त मैं खत्म। कि ये वाले वीआर और चेस्ट प्लेट की मदद से लिटरली में अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी आवाज ड्रैगन को सुनाई देगी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हैं उनको काम कर। ये पिकेक्स भाई, तो मेरा मुंह के साइज इतना है, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ ओके सामने एग है हमारे रेड कलर का, ठीक है, और उधर साइड ड्रैगन सोया। एक मिनट ये हिल रहा है, व्हाट द हेक ब्रो, मेरे को इतना डर लग रहा है क्योंकि इसका अगर ड्रैगन कुछ भी इफेक्ट मेरे पे करता तो मेरे को एक्चुअल में रियल लाइफ में फील होने वाला है। ब्रो आइस फिसलती है, मेरे को फील हो रहा है, पता आइस पे फिसल रहा है, मेरे को चेस्ट में फील हो रहा है। ओके तो अगर मैं यहाँ से कूदता हूँ, ठीक है, तो ड्रैगन को पता चल जाएगा कि कोई नीचे कूद रहा है, बट ऐसे भी पेन होगा अगर मैं नीचे कूदूंगा ना तो मेरे को पेन होगा। कितना ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक का। ब्रो मैं क्या फालतू इंसान हूं, मेरे पास पिकेक्स है, मैं मेरे जैसा एक मिनट आइस तोड़ूंगा ड्रैगन को आवाज। आई एम टू मच कंफ्यूज। नहीं ड्रैगन मूवमेंट कर रहा है, वेट व्हाट, नहीं बोला ना, नहीं गाइस ये रास्ता नहीं अपनाएंगे बिल्कुल नहीं। ड्रैगन मूवमेंट, ड्रैगन जाग गया, ड्रैगन
इतना हिल क्यों रहा है? मेरी फट रही है। नहीं 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 नहीं, ये रास्ता इतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। ओ ये देखो कैसे सोया ड्रैगन। कूदने का पेन तो मैं सह ही सकता हूँ, है कि नहीं? पर अगर मैं नीचे कूदा ड्रैगन ने आँख खोली तो टाटा। चलो तो थोड़ा हम लोग आगे चलते। भाई 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 भाई, मेरे को पूरा हिला दिया। पहले ये बताओ ये आइस इतनी स्लिपरी क्यों है? मैं नीचे जंप ही नहीं किया, अपने आप कर लिया ये। पहले छुपो। एक काम करते, मेरी सही में फट रही है। देखो ड्रैगन कैसे प्यारे तरीके से सो रहा है आंख बंद करके। ये यहाँ पे मैंने क्रीपर देखा था, क्रीपर आके फट ना जाए मेरे ऊपर। क्रीपर नहीं है, नहीं है। आराम से रिस्क नहीं, रिस्क नहीं। अभिषेक क्या फटता है तू? ये उठा तो नहीं ना? नहीं उठा। मेरी फट रही है संडे को लेने के लिए, बिकॉज अगर मैं संडे को लूंगा तो ड्रैगन मे भी क्या पता जाग जाए। ड्रैगन ड्रैगन देख लियो। नहीं ड्रैगन, नहीं ड्रैगन प्लीज, मैं करना छोड़ रहा हूँ। ड्रैगन एक बात बताओ, ये चेस्ट को किसने बनाया है मुझे बताओ? लिटरली ये चेस्ट इतना पेन कैसे दे सकता है रियलिटी में? हर एक चीज रियल इसके अंदर, हर एक चीज। काश तुम रहते सब्सक्राइबर और तुम मेरे यहाँ पे आके इस वेस्ट को पहन के देखते तो तुमको पता चलता मैं कितना पेन फील करने वाला हूँ। मैं कंटन भैया का बड़ा फैन हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैं चाहता हूँ कि आप माइनक्राफ्ट में पूरा नीचे लावा हो और आप उसमें पार्कोर करें। और मैंने ये भी सुना है कि आप ड्रीम से भी अच्छे पार्कोर करते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और आपके पास रियल लाइफ वाली वो जैकेट भी है, तो उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कैसा पेन होता है। नीचे देखो क्या है। एग्जैक्टली नीचे बहुत सारा गरम गरम लावा है। एंड तुम लोग को तो पता ही है कि ये चेस्ट हमको रियल लाइफ में पेन देगा। और मैंने अभी तक लावा का पेन नहीं देखा है कि लावा का एक्चुअल में पेन कैसा दिखता है। लिटरली मैं हीट भी मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम लोग समझ रहे हो ये कितना रियलिस्टिक है? मुझे अभी जाना है सामने वाले ब्लॉक में, बट एक चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी। अगर मुझे सामने वाले ब्लॉक में जाना है तो मेरे को रियल में एक्चुअल में ऐसे जंप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक्यूरेट जंप नहीं लिया तो माइनक्राफ्ट कैरेक्टर में वो एक्यूरेट जंप नहीं होगा, जिसके कारण मैं लावा में गिरूंगा। ब्रो ये चेस्ट बहुत रियल है। 2-1 एंड लेट्स गो। ओके मैं आया। यस मैं बराबर जगह पर आ गया हूँ। अभी तो फिलहाल के लिए बेसिक है। अभी तक बहुत सब परफेक्ट चल रहा है, बट अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। वो प्रॉब्लम है सामने का लेटर। सामने की साइड एक लेटर है एंड मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं कि वीआर में मैं लेटर को कैसे पकड़ूंगा। मैं अपना ट्राई कर रहा हूं बेस्ट गाइस, अगर मैं नीचे गिरा मेरे को लावा का एहसास नहीं करना है, मैं कोशिश यही करूंगा। 3-2-1 ओके। व्हाट, मैंने मेरा लेटर ही तोड़ दिया। ओह मतलब अब मुझे बहुत बड़ा क्लच करना पड़ेगा यहां पे। क्या मैं कर सकता हूं? 3-2 अपने रियल हाथों से। यस अगर मैंने अगर यहाँ से भी छोड़ दिया ना तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। अगर इस बार मैं गिर गया ना ब्रो, मैं मर जाना उस पेन से, सीरियसली बता रहा हूँ। 2-1 ओके मैंने होल्ड करके रखा है। ये हाथ को मुझे हिलाना नहीं है क्योंकि इस हाथ से मैंने सीढ़ी को पकड़ के रखा है। ओके अरे बिक मंगिया, तू चैलेंज कर रहा है मैंने सुना, तो मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है। ये इतनी सी चाबी है, इसको तेरे को मुंह से खाना है और पीछे से निकालना है। मेरा चैलेंज ये है कि तेरे को एक आंख वाले दानव को मारना है, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। भाई बंदे के ख्वाब बहुत बड़े नहीं हूँ। तो सामने की साइड आप देख सकते हो वही है हमारा एक आंख का दानव, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने बोला उसे लड़ने के लिए। और ये है मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र। उसको तोड़ो। ओ पानी थैंक गॉड, मैं लगा अगर इधर जमीन पे गिरता ना। ओ दानव आ रहा है, दानव। Let's go. You have to move.
एक काम करता हूँ, देखो इसके पास पावर है मुझे मारने की, तो व्हाट इफ अगर मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहा हूँ और इसको बुलाऊं। भाई मेरा बैक पेन हुआ अचानक से, मेरे को लगा मुंगी काटनी पड़ी तो ज़ॉम्बी काट रहा था। अरे 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 ओपी ओपी फाइनली ओके, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं ओके, मैं पेड़ के नीचे सेफ हूँ, थैंक गॉड। अब क्या करेगा ये, क्या करेगा पेड़ के नीचे, कुछ नहीं उखाड़ेगा अभी हमारा ये। एक काम करो, पेड़ के नीचे से डैमेज देता हूँ, मैं इसको डिफीट कर दूंगा। यस यस यस, ये बीट एक मिनट, ये पेड़ को तोड़ रहा, ये लजिक तोड़ रहा। ओ ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं 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 नीचे जाके दिख कर आते हैं, पता चलेगा क्या होगा। ओके भाई भाई मेरे को ये चीज याद रखनी थी कि मेरे को रियल लाइफ में खींचा। यार तुमको पता है जब वो ना अपने मुंह से बाइट करता है ना, तो ये जो जो इसके अंदर वाइब्रेटर्स है ना, वो एक्सट्रीम लेवल तक वाइब्रेट होते हैं। ओ, 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 नहीं, क्या था वो? मैंने मार दिया, मुझे नहीं पता कैसे मर गया, बट मर गया। मैं फैंटन भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैंने उनको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि उनको 1 मिलियन ब्लॉक से जंप करना है, और मैं देखना चाहता हूँ उनको कितना पेन फील होता है। और वैसे भी उनके पास एक जैकेट भी है। अब चैलेंज तो चैलेंज होता है, तो आपके सामने, ठीक है आपके सामने मैं फैंटन गेमर को कहाँ पे टीपी कर रहा हूँ खुद ही देख लो। हाँ वैसे अगर देख रहे, अगर मैं 1 मिलियन ब्लॉक से नीचे कूद रहा हूँ, तो शायद मुझे इस वेस्ट का एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सट्रीम लेवल वाला डैमेज पड़ेगा, जिसका इतना हाई कैपेसिटी है ना, लाइक उतना मिल सकता है मुझे, मुझे नहीं पता वो कैसा डैमेज रहेगा। ओके ओके, मेरे सामने सब धुंधला धुंधला है, मैं भी आसमान में हूँ, सूरज मेरे ऊपर है। सो बस यही था इस वीडियो में जो आप मैं सभी लोगों को बताना चाहता था। होप करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है डैमेज लेने की। आपको क्या लगा मैं सीरियसली 1 मिलियन का इसका एक्सट्रीम लेवल डैमेज दूंगा? मेरे को मर रहा नहीं है, मेरे को वीडियोस और बना रहे हैं, बस मुझसे नहीं होगा।